सर्वप्रथम सभी डेनमार्क निवासी मेरे भारतीय बंधु एवं इंडिया विजन चैनल के सभी दर्शकों को विनोद अग्रवाल का सादर सप्रेम हरिस्मरण धन्यवाद। बंधुओं में ये मेरा डेनमार्क में दूसरी बार आने का मौका पड़ा है। अब आज यहाँ शाम का कार्यक्रम है। इससे पहले आप कब आए थे डेनमार्क में? करीब छः वर्ष पूर्व वो भी इसी संदर्भ में यही प्रोग्राम जी जी अवस्थी साहब ने बनाया था उस टाइम। जी हाँ जी। अच्छा तो उस टाइम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, डेनमार्क के दर्शक कैसे लगे आपको? देखिए दर्शक तो जो भी हैं इंडियन ही हैं, इसलिए वो भाव तो उनमें है, लेकिन पीछे जब मैं आया था तो हमारी टीम पूरी नहीं आ पाई थी। अच्छा। बजाने वाले नहीं आ पाए थे तो थोड़ी सी कमी हमारी तरफ से थी। यहाँ के दर्शकों में श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। हो सकता है वो कमी पूरी करने के लिए इस बार ईश्वर ने पूरी टीम के साथ भेजा है। जैसा भी होगा हमारा पूरा प्रयास होगा कि सबको रस और भक्ति से भरपूर आनंद मिले और सभी ईश्वर के साथ एक रंग में रंग जाएं, यही हमारा प्रयास। आपने टीम की बात की, अभी टीम में कितने लोग हैं और क्या कौन कौन है? अभी फिलहाल टीम में एक तबला वादक हैं, दो सह गायक हैं और एक कोरस में है। टोटल 5 जनों की टीम है। अच्छा। और आप जो है आपका जो भजन आप गाते हैं उसमें फिर भी टच होता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल टच होता है? देखिए टच तो टोटल स्पिरिचुअल ही है। तर्जे कई बार कोई मुश्किल से 2% फिल्मी तर्जे लेनी पड़ती है, लेकिन वो कोई चकाचौंध वाली नहीं, जिसमें शास्त्रीय संगीत का पुट हो वो तर्जे हम जरूर लेते हैं क्योंकि उसका बेस शास्त्रीय संगीत है। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे। जी मुझे मैंने देखा कि कुछ जो आपके गाने हैं, जो कुछ आपके भजन हैं, उनको 15 लाख लोगों ने देखा है। अब तो वो संख्या बढ़कर करीब अबाउ 38 लाख से ऊपर हो चुकी है। इसके साथ में आपकी क्या रिलेशन्स है? करीब 72 मेरे वॉल्यूम्स जो हैं उन्होंने रिलीज़ किए हैं। टी सीरीज़ ने, टिप्स ने भी किए हैं और भी एक दो कंपनियों ने किए हैं। करीब अब तक 136 वॉल्यूम्स मार्केट में आ चुके हैं। ये वीडियो है कि ऑडियो है? ये ऑडियो वीडियो कम्बाइंड है। कम्बाइंड है जी। तो आपने जो टी सीरीज था उस टाइम पे तो गुलशन कुमार भी जिंदा होंगे मेरे ख्याल से, है जी? जब आपने शुरू किया था टी सीरीज के साथ में कॉम्पिटिशन, उस टाइम गुलशन कुमार भी होंगे मेरे ख्याल से जिंदा। हाँ, करीब सन 2000 से हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अच्छा। तो हर साल 8 वॉल्यूम में निकालता था उसमें, 2008 तक रिकॉर्डिंग चलती रही। आपके वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, तो कुछ ये कहाँ के प्रोग्राम होते हैं आपके? जो बहुत सारे प्रोग्राम देखे मैंने जी, एक तो बहुत भव्य प्रोग्राम था, बहुत अच्छा सेट लगा हुआ था, वो कहाँ का था, उसकी लोकेशन क्या? देखिए भव्य प्रोग्राम पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, MP, यहाँ थोड़े प्रोग्राम ज़्यादा बड़े स्केल पे होते हैं जहाँ एवरेज दर्शकों की संख्या 4 से 8 से 10 हज़ार तक की होती है। बाकी राजस्थान में भी होते हैं तो वहाँ 2-2.5 हज़ार, लेकिन ये जो 4 स्टेट हैं यहाँ श्रोताओं का जो उत्साह है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा कुछ पता है किस लिए? ये तो श्रोता ही बताएंगे भाई साहब। जो ईश्वर यानी अपने यहाँ भी तो राम जी के भी उपासक हैं, शिव शंकर भगवान के भी हैं, कृष्ण के भी हैं, तो जो कृष्ण के उपासक हैं वो ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में आते हैं क्योंकि मैं केवल राधा कृष्ण के लिए ही गाता हूँ। आपकी कोई संस्था भी है हिंदुस्तान में? जी नहीं, मेरी कोई संस्था नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है मेरा। अच्छा। पर्सनल मेरा कोई आश्रम नहीं है। अच्छा। ना मैं गुरु परंपराओं में हूँ, मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अभी आप नॉर्वे से आए हैं तो आपका कैसा रहा रेस्पॉन्स नॉर्वे में, कैसा रहा आपका? नॉर्वे भी इस बार दूसरी बार मेरा ट्रिप था, लेकिन जो पहली बार 6 साल पहले आया था उसके मुकाबले में इस बार प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे कारण बहुत बड़ा श्रेय अब मेरी टीम को है कि देखो वंस वाटर डजन बैक इज समर, राइट? तो टीम साथ में आने से वो जोश वो उत्साह हमें टीम के माध्यम से मिलते हैं, वही उत्साह फिर जब श्रोताओं में देखने को मिलते हैं तो हमारी अंदर और भी जान आ जाती है। तो इस बार कुछ प्रोग्राम अलग ढंग से और ज़्यादा जोर शोर से
जोर शोर का मतलब कोई लाउडनेस से नहीं है, हाँ रस से ओत प्रोत कह सकते हैं, हाँ वो देखने को मिला। आपका कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे अवस्थी के साथ में, आपका जो पहला प्रोग्राम था उसका कुछ एक्सपीरियंस? देखिए मैं व्यक्तिगत कभी भी देखता नहीं हूँ, मेरा मेरी मंजिल मेरा कृष्ण है, तो मेरी नज़र हमेशा मंजिल पे रहती है, बाकी तो आप और हम सब कोई भी हैं वो सब उसी मंजिल की तरफ चलने वाले हैं, सब मेरे हमराही हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी साथ बहुत ज़रूरी है। क्यों मैंने फिर कहा कि भाई वन स्वेलो डजन बैक ए समर, संग साथ होने से थोड़ा सफ़र फासला जो है वो बड़े आराम से और सुखपूर्वक निकल जाता है, तो मेरी नज़र मंजिल पे ही रहती है, उससे के अलावा कहीं भटकती नहीं। आज शाम को आपको सुनने बहुत सारे लोग आएंगे, तो उससे आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? हमारा तो बस एक ही संदेश है, कहीं भी जाते हैं जो महापुरुषों से हमने सुना है और जीवन के कई क्षणों में उसका अनुभव हुआ कि जब भी त्याग की बात आए तो हम खुद करें, लड़ाई त्याग को लेकर के नहीं है, संग्रह को लेकर के लड़ाई है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, इस बात पे लड़ाई ज़्यादा होती है। परिवार में भी देख लीजिए, अपने पुराणों शास्त्रों की कथाओं में भी वही आता है, तो त्याग खुद करें, सेवा हम दूसरों की करें, शुरुआत घर से ही हो, परिवार परिवार की क्षमता बढ़ जाए तो समाज की और भी क्षमता बढ़ जाए, तो पूरे राष्ट्र की और विश्व की भी सेवा हम कर सकते हैं। तो त्याग खुद करें, सेवा दूसरों की करें, प्यार केवल ईश्वर से करें, तो व्यक्ति के तीन जीवन हैं, तीनों जीवन सफल हो जाते हैं। आपका जो टीवी चैनल है यूट्यूब चैनल, उसका क्या नाम बताया आप? भाव प्रवाह चैनल, अभी कोई 10-1 महीने से शुरू किया हम लोग, उसके अंतर्गत जितने भी लाइव प्रोग्राम होते हैं तो लाइव प्रोग्राम उसमें हम लोग रिकॉर्ड डाउनलोड करते रहते हैं, उसके बाद देखने वाले देखते रहते हैं। आपका भी आज का जो इंटरव्यू है अभी 2 घंटे में लग जाएगा इंडिया वर्जन टीवी चैनल के ऊपर जी, और शाम को भी रिकॉर्डिंग करेंगे, स्वागत है, वो भी कल तक आ जाएगा लाइव, और मुझे उम्मीद है कि सब दर्शक पसंद करेंगे उसको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया मुझे, थोड़ा सेटअप पर टाइम लगा, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही हूँ कि मेरे माध्यम से आप कुछ समाज को कहलवाना चाहते हैं, मेरे में वो योग्यता तो नहीं है, लेकिन जितनी भी जैसी भी बात है ईश्वर की बात है और आपके माध्यम से वो समाज तक पहुंच रही है, उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद।